वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ ब्लीच कैसे करते हैं ये शेयर करने वाली हूँ। आप सभी अपने घर में ब्लीच करते होंगे या फिर पार्लर में जाके करवाते होंगे। ब्लीच से कई लोग डरते हैं क्योंकि ये केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है। इससे बालों हमारी स्किन के जो रोए होते हैं, फेसियल स्किन के जो रोए होते हैं वो गोल्डन कलर के हो जाते हैं और स्किन की टैनिंग भी निकल जाती है। तो ब्लीच करने से आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ब्लीच करने से डर नहीं लगेगा। ब्लीच करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर प्रोफेशनल तरीका होता है। अगर हम उस तरीके से ब्लीच करते हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्योंकि ये केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके हमें ये करना चाहिए। ब्लीच करने से पहले सबसे पहले आप अपने फेस को साफ कर लें, या तो आप क्लिंजिंग मिल्क से साफ कर लें अपने फेस को, या फिर फेस वॉश से फेस को धो लें। फेस को धोने के बाद जो धूल डस्ट है, या फिर क्लिंजिंग मिल्क से फेस को साफ करने के बाद फेस पे से जमे हुए धूल डस्ट है वो निकल जाते हैं, हमारे पोर्स क्लीन हो जाते हैं और हमारा चेहरा किसी भी ब्लीच के लिए तैयार हो जाता है। तो क्लिंजिंग मिल्क से फेस को साफ करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें आजकल मार्केट में पोस्ट ब्लीच और प्री ब्लीच वाली ब्लीच आ रही है। ये ऑक्सी ब्लीच है, इसमें पोस्ट ब्लीच और प्री ब्लीच दोनों ही क्रीम दी हुई है। बट अगर आपके पास पोस्ट ब्लीच और प्री ब्लीच क्रीम ना हो, आपका जैसे ये गोल्ड ब्लीच है नेचर्स का, या फिर ये ओलिविया ब्लीच है, इनमें पोस्ट ब्लीच और प्री ब्लीच क्रीम नहीं होता है, तो इसके लिए आप किसी भी जो भी मॉइस्चराइजर आपको सूट करे या फिर कोई एलोवेरा जेल ही आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। जब आप फेस को क्लीन करने के बाद आप प्री ब्लीच क्रीम की एक लेयर बना लें अपने फेस पे, या फिर किसी मॉइस्चराइजर की एक लेयर बना लें अपने फेस पे, उसके बाद अगर आप ब्लीच अप्लाई करेंगे तो आपका ब्लीच जो है आपके स्किन को डायरेक्ट हिट नहीं करेगा और आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी स्किन बर्न नहीं होगी, आपकी स्किन इरिटेट नहीं होगी। तो इस तरह से आप ब्लीच कर सकते हैं। मैं इसका एक डेमो भी देने वाली हूँ, लेकिन इसके पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर 300 से ऊपर हो गए हैं और मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। सब आपकी आप लोगों की मेहरबानी है और मैं व्यूअर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मेरे वीडियो को वो पसंद कर रहे हैं, और सब्सक्राइबर को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। आप इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है और ये आप सबके सपोर्ट के बिना संभव नहीं है। तो आइए देखते हैं कि अब हम ब्लीच कैसे करते हैं। अब मैं ब्लीच इसके ऊपर स्टार्ट करने वाली हूँ और ये मैंने क्लिंजिंग मिल्क लिया है लुक्स का, इससे मैं इसके फेस को साफ करूंगी कुछ इस तरह से क्लिंजिंग करने के लिए। आप 2 मिनट मसाज दें और फिर इस तरह से फेस को क्लीन कर लें, ये बहुत ज़रूरी है, बाहर की धूल डस्ट सब बाहर आ जाती है इससे। तो फेस को क्लीन करने के बाद हम ब्लीच अप्लाई करेंगे। से कॉटन से इसको रिमूव कर दें। इतनी गंदगी आ जाती है फेस पे, इतनी गंदगी बाहर निकल गई और अब मैं ब्लीच क्रीम यूज करूंगी। ये ऑक्सी लाइट का है, इसको थोड़ा सा लेना है और स्किन पे पूरा मिक्स कर देना है इसको, जिससे स्किन पे एक लेयर सी आ जाएगी और ब्लीच स्किन को डायरेक्ट हिट नहीं करेगा। इसको स्किन से हटाना नहीं है। थोड़ी आईब्रोज पे आप एक्स्ट्रा लगा लें, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आईब्रोज पे लगना जाए ब्लीच। मैंने ऑक्सी ब्लीच लिया है और ये इसका एक्टिवेटर है। मैं कोई भी चीज हाथ से नहीं निकालती, मैं स्पून का यूज करती हूँ, ये हाइजेनिक होता है। तो आप फेस के अकॉर्डिंग, फेस और नेक के अकॉर्डिंग इतना सा ब्लीच निकाल लें इस तरह से, और इसमें स्किन के अकॉर्डिंग एक्टिवेटर मिक्स करें।
ब्लीच पार्लर में ही कराना चाहिए वैसे तो, बट आप घर में भी कर सकते हैं। पार्लर में क्या होता है कि स्किन के अकॉर्डिंग हम ब्लीच करते हैं, तो यहाँ पे ये ऑक्सी ब्लीच है, ज्यादा नुकसान नहीं करता ये, और इसकी अमोनिया फ्री भी होता है, तो मैं इसका इतना एक्टिवेटर डाल रही हूँ। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। दो मिनट ऐसे मिक्स करने के बाद आप इसको फेस पे अप्लाई करोगे। अब आप ब्लीच को इस तरह से लगा लें। ब्लीच को लगाने के बाद अब हमें स्किन के अकॉर्डिंग, जैसे कि इसमें ब्लीच के पैकेटों में लिखा रहता है 10 मिनट छोड़ना है, 15 मिनट छोड़ना है, बट मैं यहाँ आपको एक अलग सा तरीका बताती हूँ। ब्लीच को लगा के आपको 10 या 15 मिनट उसमें छोड़ना नहीं है, 5 मिनट के बाद एक चेक करना है आपको कि ब्लीच हुई कि नहीं। अब मैं चेक करके बताऊंगी कि कैसे आपको चेक करना है। ये केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है, तो इसे हमें 10 या 15 मिनट, जरूरी नहीं है कि हम इसे 10 या 15 मिनट तक रखें, इसको हम सिर्फ उतनी देर ही रखेंगे जितनी देर में हमारा ब्लीच हो जाएगा, तो जिससे कि हमारे स्किन पे कोई भी नुकसान नहीं होगा। 10-15 मिनट की फाउंडेशन अगर हम ले लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपकी ब्लीच हो जाए 10 से 15 मिनट में, और अगर ब्लीच पांच में ही, अगर हम ब्लीच को चेक करेंगे तो हो सकता है कि ब्लीच आपकी 5 मिनट में ही हो जाए। तो अगर ब्लीच मेरी 5 मिनट में हो रही है या 7 मिनट में हो रही है, तो हम उसको 10 मिनट या 15 मिनट क्यों रखें? इसलिए ब्लीच को 10 से 15 मिनट मत रखें, आप उसको लगा के 5 मिनट के बाद चेक कर लें। अगर आपका ब्लीच हो गया है, बालों के ये फेस के रोएं अगर ब्राउन हो गए हैं और टैनिंग निकल गई है, तो आप ब्लीच को हटा दें। केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट को कहीं भी ना तो बालों पे ना तो स्किन पे ज़्यादा देर रखना चाहिए, बस तभी तक रखना चाहिए जब तक कि उसका पाम हो जाए, वो रिजल्ट दे दे, तभी तक उसको रखना चाहिए। यहाँ ब्लीच अगर हमें 5 से 7 मिनट में रिजल्ट दे देता है तो हमें 10 मिनट तक नहीं रखना, बट अगर स्किन पे रिजल्ट नहीं आता है 5 से 7 मिनट में, तो फिर हमें 10 मिनट या फिर 15 मिनट रखना है। तो 5-5 मिनट में हम इसको चेक करेंगे। चेक करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से ब्लीच मैंने लगा लिया है और अब मैं इसको हल्की सी मसाज दूंगी, फिंगर टिप से हल्की सी मसाज दूंगी, क्योंकि ब्लीच क्रीम और एक्टिवेटर अगर कहीं नहीं घुली होगी आपस में, तो हमारे इस मसाज से वो घुल जाएगी। ये ऑक्सी ब्लीच है और ये इतना बर्न नहीं करता स्किन को, इसीलिए आप इसको मेरे बताए गए तरीके से अगर लगाएंगे तो बिल्कुल भी बर्न नहीं करेगा। बर्न कर रहा है? नहीं ना, इसको भी बर्न नहीं हो रहा। इस तरह से मैंने ब्लीच को मिक्स कर लिया है और फेस पे ब्लीच लगाने के साथ साथ मैंने नेक में, देखो मैंने नेक में पूरा कवर किया है, जिससे कि दोनों स्किन जो है इक्वल दिखे, फेस और नेक की स्किन बराबर दिखे, इसके लिए मैंने दोनों को कवर किया है। अब मैं 5 मिनट इसको छोड़ दे रही हूँ। 5 मिनट के बाद इसको कैसे चेक करना है मैं चेक करके आपको दिखाऊंगी। ब्लीच करने के बाद आप आंखों पे ये आई पैक जरूर रखें, इससे आपके आंखों को ठंडक मिलेगी और इन केस ब्लीच अगर बर्न कर रहा है तो आंखों में आंसू नहीं आएंगे, इसलिए आप ये आई पैक जरूर रखें। ये ब्लीच करने का प्रोफेशनल तरीका है, आप इसको घर पे भी कर सकते हैं, बट आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप देख रहे हो, क्लोजअप दिखाती हूँ मैं आपको, ब्लीच होने के बाद कैसे फूल सी गई है ब्लीच, देखो आप स्किन में ब्लीच फूल सी गई है। तो अब हमने चेक करना है यहाँ पे यूं, और ये देखना है, बालों को यूं उठाना है। आप देखो क्लोज करो, आप देखो आपको
गोल्डन बाल, पता नहीं कैमरे में नजर आ रहे हैं कि नहीं, बट इसके बाल जो है गोल्डन हो गए हैं। आप देखो, दिख रहे हैं बाल आपको। तो इस तरह से आप ब्लीच को चेक करने के बाद, पांच छह मिनट हुए हैं इनको लगाए हुए, लेकिन 5 मिनट में इनकी ब्लीच हो गई है। तो मैं इसको ज्यादा देर नहीं रखूंगी, मैं इसको हटा रही हूँ। मोस्टली ब्लीच, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, ब्लीच 5 से 7 मिनट में हो जाती है। अगर नहीं होती तो हम इसको 10 मिनट तक रखते हैं, वरना हम इसको स्किन से रिमूव कर देते हैं। कैसे रिमूव करना है, स्पून ले लिया हाथ में और बिल्कुल हल्के हल्के से सारे ब्लीच को आपने रिमूव कर लेना है इस तरह से। अब ये ब्लीच चूंकि मैंने 5 मिनट में ही हटा दिया है, तो इसके अंदर अभी भी पावर है कि आपकी दूसरी जगह को भी ये ब्लीच कर सकता है। तो आप अगर चाहें तो इसको हाथों पे भी लगा सकते हैं, ब्लीच जो अगर बच गई है आपकी, उसको आप हाथों पे यूज कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप घर में कर रहे हैं तो कर सकते हैं यूज, बट हम पार्लर में करते हैं तो हम इसको यूज नहीं करते, फेंक देते हैं। बट अगर आपको हाथों पे ब्लीच करनी है तो थोड़ा सा इस तरह से आप इस बचे हुए ब्लीच को इस तरह से लगा सकते हैं। ये इसको आप 10 मिनट तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि फेस की स्किन सेंसिटिव होती है और हाथों की हार्ड होती है। तो इस तरह से हाथों पे ब्लीच लगा के अगर हम 10 मिनट तक छोड़ देंगे तो यहाँ भी यही वाली ब्लीच यहाँ भी काम कर लेगी। और अब इसको वेट स्पंज से या फिर टिश्यू से इस तरह से हम इसको निकाल देंगे। है, आप देख रहे हो उनके फेस में थोड़ा सा फर्क आ गया है। और अब मैं यहाँ पे पोस्ट ब्लीच क्रीम अप्लाई करूंगी, देखती हूँ ये कैसी है। ये जेल बेस्ड है, देखो आप इसकी जगह पे कोई मॉइस्चराइजर जो आपको सूट करे या फिर एलोवेरा जेल आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे पोस्ट ब्लीच क्रीम जो कि जेल बेस्ड है इसके फेस पे अप्लाई करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज अपने कमेंट जरूर करें। आप लोगों के कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। ब्लीच करने के बाद आप धूप में ना निकले कम से कम 5-6 घंटे तक, या तो आप शाम के टाइम पे ब्लीच करें जिससे कि आप धूप से बचे रहें। और अगर आपने डे टाइम में ब्लीच करा लिया है तो ब्लीच करने के बाद तुरंत बाद बाहर ना निकले, कम से कम 5-6 घंटे का प्रिकॉशन लेंगे तो आपकी स्किन बर्न नहीं होगी। और अगर थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है स्किन में या फिर स्किन थोड़ी सी लगता है इरिटेट हो रही है तो फिर आप उस पर बर्फ का मसाज दे सकते हैं। अगर आप ये दो तीन प्रिकॉशन लेंगे तो आपका ब्लीच बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टे करेगा और आपकी स्किन को सूट भी करेगा। थैंक यू।